नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ता के बारे में। पास्ता से रिलेटेड आपकी सारी की सारी जो भी क्वेरीज थी, आप चाहे ऑनर हैं या एक स्टूडेंट हैं, आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी। लगभग 6 क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं। क्वेश्चंस आपको यहां पे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है हमारे कलनरी कैंप का। और कलनरी कैंप की जो सीरीज़ में, जो कि लंबी चलने वाली है, काफ़ी सालों तक ही चलेगी ये सीरीज़ अब, जिसमें कि आपको सीखने वाले हैं वो छोटी छोटी बातें जो कि आपको कॉलेजेस में और होटल्स में नहीं सिखाई जाती है या फिर नहीं बताई जाती है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी शिक्षा को दूसरों को बताने। तो चलिए, यहां पे 6 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू बॉइल पास्ता, पास्ता को कैसे बॉइल करें। मैंने जब किताब पढ़ी तो किताब में कुछ और लिखा था, मैंने ट्रेनिंग्स करी तो वहां पे कुछ लोग और ही मेथड यूज कर रहे थे जो कि किताबों से अलग था। मैं होटल्स में जॉब करने गया तो सीनियर बिल्कुल अलग ही तरीके से पास्ता बॉइल करते थे। When I was in ship in Italy और किसी और दूसरे कंट्री में मैं था, तो वहाँ उनका जो तरीका था पास्ता को बॉइल करने का वो बिल्कुल ही अलग था। अब मैं इतना कन्फ्यूज़ हो जाता था कि भाई मैं किसकी बातें तो मानूँ, मैं पहले वाले की मानूँ, दूसरे वाले की मानूँ, और सबके जो प्रोसेस थे, सबके प्रोसेस कुछ ना कुछ अलग होते थे, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। और लगभग जब ये मुझे आप बोल सकते हैं कि 8-9 साल हो गए, तब जाके समझ आए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। तो वही सबसे पहले मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। अगर आप एक परफेक्ट पास्ता बॉईल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ करनी है, आपको जो पास्ता का पैकेट है, चाहे आप पेने बॉईल कर रहे हैं, मैक्रोनी बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का पास्ता बॉईल कर रहे हैं, उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है आप उसको फॉलो कीजिएगा। वही सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी पास्ता को बॉईल करने के लिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है, जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो तो फॉलो करनी है। अगर आप बोलते हैं कि भाई अगर मेरे पास बल्क में पास्ता है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, मैं तो यहाँ पे एक पैकेट की बात कर रहा था अब तक, अब आपके पास आ जाता है पास्ता 10 किलो 20 किलो, तो सिंपली आपको उतने जो भी रेसिपी वहाँ पे उसको उतने गुना कर देना है। जनरली अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके पास 1 किलो पास्ता है तो आपको 8 times more, मतलब कि आपको 8 गुना पानी उसका लेना पड़ता है, तो इतना सारा पानी आपको लेना पड़ेगा। अगर 1 किलो पास्ता है तो आपको 8 किलो पास्ता लेना पड़ेगा। अब सॉल्ट और ऑयल तो आपको डालना ही पड़ेगा, कहीं नहीं भी डालते हैं, बट सॉल्ट मस्ट है। ऑलिव ऑयल डाले ना डाले वो चलता है, पर अगर आप ऑयल डाल देते हैं तो आपका पास्ता के अंदर थोड़ा और ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि पास्ता बॉईल होने के बाद एक लेयर बन जाती है पूरे पास्ता के ऊपर ऑयल की, जो कि आपस में उसको स्टिक होने से रोकती है। सबसे पहला आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। दूसरा, जब आप बल्क में पास्ता बॉईल कर रहे हैं, अगर सिंगल कर रहे हैं तो पैकेट वाला ही फार्मूला काफ़ी है, पर जब आप बल्क में पास्ता बॉईल करते हैं, या तो आपको उनको छान के फैला लेना है, थोड़ा तेल डाल के मिक्स कर देना है, और उनको वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई दूर दूर कर देना है ताकि वो चिपके ना। दूसरा, अगर आप सेम ही कंटेनर में उसे छोड़ देते हैं, या कंटेनर नहीं स्टेनर में छोड़ देते हैं, वो चिपक जाएगा। तो इन जो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ले रहा हूँ जो कि पास्ता से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है फेरनिशेज। अगर मैं बोलूँ तो एक प्रकार के ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम होते हैं, जो कि हमारे फ्रेंच कुजीन के अंदर आते हैं। यहाँ पे पास्ता भी हमारे जो फेरनिशेज कोर्स है उसके अंदर ही आता है, क्योंकि पास्ता भी हमारा स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, एक टर्म आती है जिसको कि हम लोग अल दांते बोलते हैं। अल दांते का मतलब होता है स्टिक टू द टूथ, मतलब कि अगर आप पास्ता भी बॉईल करें तो आपको पास्ता फुल डन नहीं कर देना, क्योंकि इवन अगर आप पास्ता को बॉईल करने के बाद उसे फैलाएंगे नहीं, उसे ठंडा नहीं करेंगे, तो वो अपने आप ही कुक होता जाएगा, या आप उसे पानी में भी छोड़ देंगे तो वो अपने आप कुक हो जाएगा। तो अल दांते का मतलब होता है कि आपने पास्ता के अंदर की एक छोटी सी, सबसे लास्ट आप एक बिंदी छोड़ सकते हैं जो कि अनकूल हो, क्योंकि धीरे धीरे करके वो अपने आप ही कुक होने वाली है। एक टर्म और होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रोलिंग बॉईल। जब हम लोग सब्जियां बॉईल करते हैं, हम सब्जियों को मिक्स करते हैं, पर जब हम लोग पास्ता बॉईल करते हैं तो हम पास्ता को रोल करते हैं। रोल करने का मतलब कि आप उसको गोल गोल सर्कुलर मोशंस में घुमा रहे हैं, ताकि पास्ता आपस में चिपक नहीं रहा है, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रोलिंग बॉईल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास्ता के सेप और साइजेस। पास्ता के आपके बहुत सारे सेप्स होते हैं, अनगिनत आप बोल सकते हैं। हमारे लज़ानिया हो गया, लज़ानिया के शीट्स हमारी आ जाती है, मैक्रोनी हो गया, इसके अलावा आपके पेने आ जाते हैं, स्पाइरल पास्ता आ जाता है, स्पैगेटी आ जाता है, ठीक है जी, एंजल हेयर्स हो जाते हैं, और बहुत सारे आप नाम लेंगे अनगिनत, और हर किसी की शेप यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होती है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा, जैसे कि मैं स्पैगेटी बोलता हूँ या पेने बोलता हूँ, आपको अलग अलग प्रकार की स्पैगेटी दिखाई देती है,
कुछ का साइज छोटा होता है, कुछ का साइज थोड़ा मोटा होता है, किसी पे लाइंस भी बनी रहती है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो। वो क्यों होता है? वो होता है उनके साइज के अनुसार। जिस तरीके से अगर मैं कोई कपड़े पहनता हूँ, मैं लार्ज पहनता हूँ, मीडियम पहनता हूँ, एक्सेल पहनता हूँ, उसी प्रकार पास्ता का भी साइज होता है, उनमें उनके नंबर्स लिखे होते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पास्ता यूज करें, स्पैगेटी यूज करें, उसमें उसका नंबर जरूर देखिएगा कि किस नंबर की वो स्पैगेटी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है आपके पास्ता की रेसिपीज। पास्ता की रेसिपीज आपको अच्छे पास्ता की रेसिपीज कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मैं आपको दो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ, जो दोनों की मेरी है, एक ग्लोबल कुजीन की है, दूसरा यहाँ पे आपकी जो शिप के अंदर हम जो रेसिपीज यूज़ करते थे वो है, साथ में उनकी मैं पिक्चर्स लगा दूंगा, साथ में इधर आ जाएगी, आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाएंगी, नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे पास्ता की रेसिपीज मिल जाएंगी, जो कि आप अपने फूड ट्रायल में, अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप बोल सकते हैं कि काफ़ी इनोवेटिव तरीके से रेसिपीज को बताया गया और पर्टिकुलरली लिख के दिया गया है, तो आप लोग ईजिली उन्हें रिमेंबर भी कर पाएंगे। इसके बाद आती है हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आती है हमारे पास्ता की सॉस की। पास्ता की सॉस जनरली देखें तो अगर मैं बोलूँ इंडिया के हिसाब से, एक हम लोग टमाटो यूज़ करते हैं, बोलोगनेज यूज़ करते हैं। बोलोगनेज एक प्रकार की मीट सॉस होती है, जो कि बाहर कंट्री में जाएंगे तो वो हमारे बीफ से बनती है। इंडिया में हम लोग मटन या चिकन यूज़ करते हैं। तीसरी सॉस होती है हमारी क्रीम सॉस, और इसके अलावा हज़ारों की संख्या में डेरिवेटिव आ जाते हैं। पेस्तो भी हम लोग यूज़ करते हैं, आजकल हम लोग रेड को और वाइट को मिक्स यूज़ करते हैं, हम लोग मारिनारा सी फूड यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी हमारी अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ बन जाती हैं, अलग अलग प्रकार की सॉस होती है। बट बेसिकली अगर देखेंगे तो टमाटो, वाइट और मीट सॉस, यही तीन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में चलती हैं, और इनके ही अब हज़ारों डेरिवेटिव मार्केट्स में उपलब्ध हैं। या आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको इन सबको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट आती है, भैया पोर्शन साइज पास्ता का क्या होना चाहिए या क्या मुझे देना चाहिए? आप कोई भी पास्ता बॉईल कर रहे हैं, अगर आप 1 किलो पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल होने के बाद वो लगभग 2 किलो हो जाएगा। सेम राइस वाली थ्योरी होती है, अगर 1 किलो राइस है तो 2 किलो हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से 1 किलो पास्ता है तो आपको वो 2 किलो हो जाएगा। अब इस 2 किलो पास्ता में मेरे को कितनी सॉस डालनी है, या मैं अगर मैं पोर्शन पे आ जाऊँ तो यहाँ लगभग मैं 40 से 50 ग्राम मैं जो रॉ पास्ता है वो मैं यूज़ करता हूँ एज अ मेन कोर्स। अब मैं जब ये 40 ग्राम पास्ता ले रहा हूँ तो 40 ग्राम का वो हो जाएगा 80 ग्राम, 50 ग्राम मैं ले रहा हूँ तो हो जाएगा 100 ग्राम। अगर मैं 100 ग्राम पास्ता ले रहा हूँ तो लगभग मुझे यहाँ पे जो सॉस डालनी होगी वो 60 से 70 ग्राम मुझे डालनी पड़ेगी। अगर मैं इनको टोटल कर दूंगा तो 180 ग्राम करीब मेरा पूरे जो पास्ता का जो साइज़ हो जाएगा, थोड़ी गार्निश वार्निश भी आ जाएगी, ऑलिव ऑलिव आ जाएगा, ये सारी चीज़ ऊपर से आप डाल देंगे तो लगभग 200 ग्राम आपका पूरा पास्ता हो जाता है। तो 180 से लेके 200 ग्राम आप रख सकते हैं, और जो रॉ पास्ता है वो होगा 40 से 50 ग्राम, और कुक की बात करूँ तो मैं 80 या 100 ग्राम मैं बोल सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको पास्ता से रिलेटेड बतानी थी, जो कि आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पास्ता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे लिख दीजिएगा, बाकी बुक मैंने रिकमेंड कर दी है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और पास्ता की नई नई रेसिपी और डिशेज सीख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए मेरे चैनल को, और मैं दिल से आप लोगों का आभारी रहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं और लगभग रोज़ ही वीडियो आती है जिसे कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रीशियस नॉलेज है वो वेस्ट हो जाए। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर बाकी लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।